अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मेरा नाम उमूद अब्रार और आप देख रहे हैं इल्ज़ाम न्यूज़। कराची मोमिनाबाद टाउन में हज़रत इमाम हुसैन के चाहलों के दौरान गज़रदारान को बेहतरीन बल्दियाती सहूलियात की फराहमी के लिए इमाम बारगाहों के मुंतज़िमीन की मशावरत से इंतजाम को कबल अज़ वक्त मुकम्मल करने के लिए तमाम तर मौजूद वसाइल को बरोए कार लाया जाएगा। इन ख्यालात का इजहार चेयरमैन मोमिनाबाद टाउन मलिक आरिफ ऐवान ने म्यूनिसिपल कमिश्नर ज़ैन अली शाह के हमरा मुनक़दा मीटिंग करते हुए किया। मीटिंग में जनरल सेक्रेटरी असना अशी मसाजिदो इमाम बारगाह डिस्ट्रिक्ट वेस्ट अतहर हुसैन जाफरी, सदर इमाम बारगाह फेडरेशन डिस्ट्रिक्ट वेस्ट सैयद मुजम्मिल हुसैन काजमी, इमाम बारगाहों और जुलूस कमेटियों के मुंतजमीन के साथ साथ सिंध सोल वेस्ट के नुमाइंदे, महकमा सैनिटेशन, महकमा B&R, महकमा पार्क और दीगर बल्दियाती अफसरान भी मौजूद थे। मीटिंग में मौजूद मुंतजमीन ने इमाम बारगाहों के अतराफ सफाई सुथराई, रोशनी की फराहमी और जुलूस की गुजरगाहों पर ज़रूरी नौइयत के कामों की निशानदेही करते हुए कहा कि इन्हें उम्मीद है कि इंतजामिया ने जिस तरह आशूरा मुहर्रम में इंतजाम किए थे, इसी तरह चहलों के मौके पर भी गज़रदारान को सहूलियात की फराहमी में कोई कसर नहीं उठा रखेंगे। इस मौके पर टाउन चेयरमैन ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि मोमिनाबाद टाउन की हदूद में मौजूद इमाम बारगाहों का वो खुद दौरा करेंगे और मुंतजमीन की जानिब से मौसूल होने वाली तजावीज़ के फौरी हल के लिए मौके पर ही अहकाम जारी करेंगे और कोशिश करेंगे कि गज़रदारान को गुज़िश्ता सालों की बनस्बत मज़ीद बेहतर सहूलियात फराहम कर सकें।